तेन मुह्यंति जंतवा, अज्ञान के द्वारा समस्त जीव मोहग्रस्त है। तो फिर अज्ञान को दूर कैसे किया जाए? तब कहते ज्ञाने न तु तद अज्ञानम येषाम नाशितम आत्मनः तेषाम आदित्य ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। ज्ञाने न तु तद अज्ञानम, तो मैंने किंतु वही जंतु जो अज्ञान से, जिसका ज्ञान आवृत हो चुका है, वह जंतु ज्ञान के द्वारा यदि उस अज्ञान को नष्ट कर देता है। येषाम आत्मनः तद अज्ञानम नाशितम ज्ञानेन, आत्मनः ज्ञानेन तद अज्ञानम येषाम नाशितम, तेषाम ज्ञानम तत् परम ज्ञानम आदित्योत्प्रकाश। जिन लोगों के वह आत्मविषय ज्ञान के द्वारा आत्मविषय ही जो अज्ञान था वह नष्ट कर लिया गया है, उन लोगों के अंदर वह ज्ञान जो परमार्थ तत्व है, तत् परम माने परमार्थ तत्व रूप वह जो परम ज्ञान है, ब्रह्म स्वरूप है, वह स्वतः ही प्रकाशित होता है आदित्यवत कह दिया सूर्य के समान। ये पहले बोल चुके सर्वम ज्ञान प्लवे नैव ऋजनम संतरिष्यसि, चौथा अध्याय में ही 36वें श्लोक में कहा गया था नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम यह विदिते, उसी चौथे अध्याय 38वें श्लोक में कहा गया था। ज्ञान ऐसा चीज है जिसके द्वारा हम तर सकते हैं, साधन है, और यह ज्ञान आगे सबको भस्म कर देता है, ये भी कह दिया था। ज्ञान आग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, इसलिए ज्ञान की तरह नाशितम अज्ञान कर्म का वहां सर्वकर्माणि भस्मसात कह दिया, या कर्म के कारण को भी भस्म करने की बात कह दिया अज्ञान को, आदित्य के समान कह दिया, जानकर कह दिया कि आदित्य के समान। कि संसार में एक सामान्य नियम है जो द्वैत बुद्धि वाले के बारे में कहा बृहदारण्यक उपनिषद 1.4.10 में, सभी टीकाकारों ने दिए हैं, तद्यो यो देवानां प्रतिबुद्धता स एव स, तद्यो देवानां प्रतिबुद्धता स एव तत् अभवत् तथा ऋषीणां तथा मनुष्याणां तैदमप्येतरे य एवं वेद अहम ब्रह्मास्मीति स इदं सर्वं भवति इत्यादि मंत्र। उस ब्रह्म को जो कोई व्यक्ति चाहे देवताओं में हो, चाहे मनुष्यों में हो, चाहे ऋषियों में हो, चाहे कोई भी हो, जो उसको उस प्रकार से जान लेता है, किस प्रकार से अहम ब्रह्मास्मि करके, वह भी वही हो जाता है, सब कुछ हो जाता है इत्यादि करके श्रुतियां 1.4.10 में कही है बृहदारण्यक। इसे जो इस ज्ञान को अनुभव कर लिया, स्वरूप को अनुभव कर लिया, वह वही हो जाता है, इसमें कोई संशय ही नहीं है। जिसको आचार्यों में से आचार्य साहब कह दिया घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न मरखम यथा निष्प्रभम मन्यते चाति मूढ़, यति मूढ़ उल्टा मानता है ये सूर्य में कोई प्रकाश नहीं है, निष्प्रभा निष्प्रभम मन्यते चाति मूढ़, लेकिन वास्तव में घन है जब बादल है जो दृष्टि और सूर्य को ढका है, लेकिन आदमी सोचता उल्टा सूर्य में प्रकाश नहीं है। उसी प्रकार शरीर भी उपाधि आदि की वजह से आत्मा ढका हुआ के समान ढक गया है, अज्ञान के द्वारा ढके हुए के समान ढका हुआ है, तो आदमी सोचता है मैं तो भाई बंधन में हूं, संसारी हूं, अज्ञानी हूं, कुछ नहीं हूं, ऐसे ऐसे उल्टा उल्टा अल्प शक्तिमान अल्पज्ञ इत्यादि मान लेता है। लेकिन वास्तव में आपने क्या किया, बादल को हटाया, दर्पण के और मल को हटाया, मणि के ऊपर विद्यमान मल को हटाते हो, उसका मतलब यह तो नहीं आप मणि में प्रकाश को पैदा कर देते हो क्या? दर्पण में जो चेहरा दिखने लगा आपने क्या किया दर्पण में? कुछ नहीं किया, मल को हटाया, लेकिन दर्पण में प्रतिबिंब योग्यता आपने आधान किया क्या? मणि से प्रकाश निकल रहा है वो मल आपने हटाया, मणि के ऊपर प्रकाश आपने नहीं डाला,
बादल हट गया, प्रकाश आ गया, वह सूर्य में प्रकाश आपने ही डाला है। आपका काम केवल जितना व्यवधान तो उसको हटाने का बस। स्मृतिकार कहते हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, यथान क्रियते ज्योत्सना मल प्रक्षालनान मने है, यथा न क्रियते ज्योत्सना, ज्योत्सना मने प्रकाश, जैसा प्रकाश को निर्माण कर रहे उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, यथा न क्रियते ज्योत्सना मल प्रक्षालनात मने है, मल के प्रक्षालन करने के अलावा उस मणि के अंदर आप ज्योत्सना को उत्पन्न नहीं करते हैं। दोष प्रहाणात न ज्ञानमात्मनः क्रियते तथा, इसी प्रकार से दोष प्रहाणात न ज्ञानमात्मनः क्रियते तथा, आप इस तरह से इस आत्मा के रूप ज्ञान को पैदा नहीं कर रहे हैं, आप केवल दोष और अज्ञानता उसको मिटा रहे हैं। दोष प्रहाणात दोष प्राण रूपी कार्य से अलग आत्मन ज्ञान न क्रियते तथा, विष्णु धर्मोत्तर पुराण 104 अध्याय 5वां श्लोक 104-5। इस प्रकार से अनेकों जगहों में इन्हीं बातों को अलग अलग तरीके से समझाया है। हमें आत्मा में कुछ करना नहीं है, केवल उसके ऊपर का जो ढक्कन है, जो मल है, आवरण है, जो भी शब्द से कहो, वह अज्ञान अविद्या माया इत्यादि, उसको मिटाना है बस, उसको अलग कर दे। अलग करना भी क्या है वाकई में है? जैसे शुक्ति में रजत दिख रहा है, अब रजत को निकालो, रजत को कैसे निकालोगे, है क्या कोई चीज रजत वहां निकलने के लिए? से हम जो कदम मल को हटाना स्थूल दृष्टिया कहते हैं, दर्पण पर जो मल बैठा है, मणि पर जो मल बैठा है, स्थूल दृष्टि से कह दिया जाता है, वास्तव में आत्म पर जो अज्ञान पर मल तो बैठा ही नहीं है, है ही नहीं अज्ञान नाम का चीज, बस दिमाग में फितुर का जो बैठा है ना कि मैं जीव हूं, बस ही निकाल दो, खत्म, यही अज्ञान है और कुछ नहीं है। अब रजत को हटाने का मतलब क्या, शुक्ति को जानना, यही तो है। अधिष्ठान को जान लिया तो अपने आप रजत खत्म, उसके अलावा कुछ करना पड़ेगा क्या? वहां रजत को हटाओ, क्या हटाऊंगा, रजत कहाँ है ही नहीं, तो हटाऊंगा कहां से? शुक्ति को जानने के अलावा रजत को हटाना नाम को कोई कार्य हो नहीं सकता। उसी प्रकार आत्मा को जानने के अलावा अज्ञान को हटाना, मल को हटाना इत्यादि कार्य कुछ भी नहीं कर सकते आप। ये तो केवल इसलिए सब कहा जाता है कि जो मंद मध्यमाधिकारी है, जो मान रहा है मैं जीव हूं, मेरा कोई अंतकरण है, मान रहे ना, तब उसको कहता है तेरा अंतकरण यदि है तो नहीं, और अंतकरण में आत्म भान नहीं हो रहा है, आप बोल रहे हो ना, इसलिए कहते हैं हम फिर, तो इसका मतलब तुम्हारा अंतकरण रूपी दर्पण में मल चढ़ा है, इस मल को हटाओ तो दर्पण में भ्रम दिखेगा, वास्तव में ना अंतकरण है ना उस पर मल चढ़ा है। अजातवाद में जगत थी पैदा नहीं हुआ तो अंतकरण कहां से? असली वेदांति के लिए सब नहीं है, यह सब मंद मध्यम अधिकारी के लिए बोला जाता, मल हटाओ, अंतकरण शुद्ध करो, ये करो वो करो, ठीक है, क्या करे, आदमी की स्थिति वैसी है, वो अजातवा समझ ही नहीं पा रहा है, और अजातवा स्थिति में पहुंच जाएगा तो शरीरवादी तो नहीं रहेगी, फिर मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, दोनों ही बात नहीं रहेगा। जो प्रारंभ कर्मासन होना है हो रहा है, होना है चल रहा है चलने दो, जब तक चल रहा है चल रहा है, जब बंद हो जाए बंद हो जाए, क्या फर्क पड़ रहा है, शरीर जिंदा है तो जिंदा, मर जाए तो मर जाए, फर्क क्या पड़ता है, एक सीरियल है, वो सीरियल में कुछ अंतर कर सकते हो क्या? आप टीवी के सामने बैठे हो, सीरियल में गलत हो रहा है मान रहे हो, मान लो, अब तुम ठीक करो उसको, करोगे? आपके पास क्या है, ऑफ करने के लिए कोई काम नहीं है, नहीं देख सकते, इतना ही तो होगा, सीरियल को ऑफ कर दो, वो भी इसीलिए क्योंकि टीवी है, सीरियल है, वो बिजली से चलता है, इसलिए ऑफ भी कर सकते हो, इस सीरियल को ऑफ करो, कैसे करोगे? मूर्ख लोग आत्महत्या कर लेते हैं, या टीवी ऑफ करने का जैसे काम करने के चक्कर में लोग क्या करते हैं, इस सीरियल में गड़बड़ी हुई तो जा आत्महत्या। अरे क्यों, इसमें तुम अंतर नहीं कर सकते हो, बस इसका दृष्टा बनो, जो हो रहा है गड़बड़ी हो रही तो ठीक, नहीं हो रही है तो ठीक, अच्छा हो रहा है तो ठीक है, बुरा हो रहा है तो ठीक, क्या फर्क पड़ता है, सब मिथ्या ही तो है, सीरियल ही तो है,
अब टीवी में कोई रेप केस हो रहा है तो आपको क्या फर्क पड़ेगा, आरती उतर रही तो आपको क्या फर्क पड़ने वाला है, रामायण सीरियल देख रहे हो तो खुश होते हो, ये सब तुम्हारी मूर्खता है। सीरियल तो सीरियल है, झूठा है सारा चीज, वहां सब झूठा है। महाभारत सीरियल, अब उसे 50% से ज्यादा एक्टर सब मुसलमान थे, 50% से ज्यादा मुसलमान थे एक्टर। आप लिस्ट पढ़े नहीं ना, तो नाम उसके बाद तब पता चलता, नाम पढ़ लो क्या तो अच्छा हो, आप लोग पढ़े नहीं नाम, नाम पढ़ लेते हैं तो अरे अर्जुन मुसलमान बना हुआ है, तो आपकी भावना बनती फिर सीरियल में ये अर्जुन बोल रहा है करके, आप अर्जुन मान रहे हैं, आप उस एक्टर का नाम नहीं जानते तो अच्छा है। राम मान लिया आपने, मालूम है अरुण गोविल फालतू आदमी है, सिगरेट पीता है, दारू पीता है, फिर तो राम की भावना बनती है वहां पे। आप असलियत में जाते नहीं, वो नकली में रह जाते हैं तो खुशियां मनाते हैं, अच्छा बुरा मानते हैं, असलियत में चले जाओ तो उसे विरक्त हो जाओ, कभी सीरियल नहीं देखोगे भैया। नहीं कि जिंदगी एक सीरियल है, अपना जिंदगी रूपे एक सीरियल को तो देखो, भूत को याद करो, वर्तमान में देख ही रहे हो, भविष्य का पता ही नहीं, जिस सीरियल का भविष्य में क्या मालूम नहीं होता आपको भी। कई कड़ियों में जो सीरियल आते हैं आपको मालूम रहता है अगले कड़ी में क्या आने वाला है, क्या दिखेगा कहानी, किस तरह मोड़ ले रहा है कहानी, कुछ पता चलता है क्या सीरियलों में, जो तुम्हारे भविष्य का तुमको पता है क्या, फिर उस सीरियल में तेरी जिंदगी सीरियल में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं, बस वो सीरियल जैसे समझो तो कोई दिक्कत ही नहीं, जो भी हो रहा है सब ठीक है। ऐसे परिवर्तन हम कर भी नहीं सकते हैं और हम करना भी नहीं चाहते हैं, जो हो रहा है सब ठीक है, जब तक चल रहा है सब ठीक है, नहीं चलेगा तो ठीक है, ये बात मान के चलना चाहिए हर विषय में, हर विषय में, केवल सामान्य जीवन की बात नहीं, हर विषय में। खाते थे पहले लड्डू पेड़े खूब चल रहा था बढ़िया, अब नहीं खा रहे तो ठीक है, फर्क थोड़ी है, इधर पढ़ाई चल रहा है तो ठीक, कल बंद हो जाए तो भी ठीक, मस्त रहो। हाँ आनंद से रहना चाहिए, चले तो भला न चले तो भला, तैयार रहना चाहिए हर स्थिति के लिए, बिल्कुल अभी से मन तैयार करो, कह रहा है इसीलिए सारी चीजें, वास्तव में कुछ करना ही नहीं, सच्चाई तो यह है। तेषाम आदित्यवत ज्ञानम कह गया, ब्रह्मविदा प्रोति परम, तैतर प्रसन्न भी कहता ना, इसलिए ब्रह्मविद आपनोति परम, इसे तत्परम प्रकाश भाष्य ज्ञाने ने तो ये न अज्ञाने न आवृता मुहियंते, जिस अज्ञान के द्वारा आवृत होकर मोहित हो रहे हैं जंतु, तद अज्ञानम, उस अज्ञान को ज्ञाने न येषां जंतूनां विवेक ज्ञान, जिन जंतुओं का अपने विवेक ज्ञान के द्वारा, कौन सा विवेक ज्ञान, आत्म विषयेण विवेक ज्ञान, आत्म विषय विवेक ज्ञान के द्वारा जिस अज्ञान के द्वारा आवृत होकर के मोहित होते रहे जंतु, वे जंतु अपने अंदर विद्यमान उस अज्ञान को जिस विवेक आत्म विषय विवेक ज्ञान के द्वारा नाशितम आत्मनो भवति, अपना अज्ञान को नष्ट कर लेता है आदमी। आप अपने अज्ञान को नष्ट कर लीजिए ज्ञान के द्वारा, विवेक आत्म विषय विवेक ज्ञान के द्वारा अपने अंदर जो विद्यमान अज्ञान जो मान रहे थे अभी तक, उस अज्ञान को आप नष्ट कर लीजिएगा, करने से क्या होगा, तेषाम आदित्यवत यथा आदित्यः समस्तम रूप जातम भासेति तद्वत ज्ञानं गेयञ्च वस्तु सर्वं प्रकाशेति, जैसा आदित्य क्या करता है, यथादित्य समस्तम रूप जातम, समस्त रूप समूह को अवभासिति प्रकाशित करता है, वही नहीं देखता है गंगा जल है तो बढ़िया प्रकाशित करूंगा, और किसी का पेशाब पड़ा है तो उसको प्रकाशित नहीं करूंगा, गंदी चीजें प्रकाशित नहीं करूंगा, समानता के सूर्य सबको बराबर प्रकाशित करता है, पवित्र अपवित्र हो, मलिन हो अमलिन हो, स्वच्छ हो अस्वच्छ हो, कोई पदार्थ जड़ हो चेतन हो, मुर्दा हो जिंदा हो, सबको बराबर प्रकाशित करता है। सूर्य नहीं कहता है जो मुर्दा ढोने वाले सब जिंदे है ना उनको मैं प्रकाशित करूंगा, लेकिन उनसे ढोया जरा मुर्दा को मैं प्रकाशित नहीं करता, ऐसा तो नहीं होता, सबको बराबर प्रकाशित करता है। और बात तद्वत उसी प्रकार से ज्ञानम ज्ञेयं च वस्तु सर्वं प्रकाशयति,
ज्ञान खुद को और ज्ञेय को सारा चीज जो कुछ भी माना जाता है उन सब को प्रकाशित करता है। कौन? तत्परम। परम ने परमार्थ तत्व, वह परमार्थ तत्व रूपा जो ज्ञान, वह अपने आप को और सबको जो उपाधियां हैं उन सबको प्रकाशित कर देता है। अर्थात उस सर्वभूत जो ज्ञान है उसे कोई भी आवरण नहीं कर पाता है। ये तो अज्ञान वशत आवरण मान लिया गया था, मान लिया गया तो डर है, सब कुछ है ना। जैसे आपने मान लिया इस रस्सी को सांप, तो मान लोगे तो फिर तो खतरा ही खतरा है आपको, सांप काटेगा तो मरोगे नहीं क्या, डर रहेगा। तो मानो है ना आपने, तो मानना छोड़ दो, सांप है तो डर कहे करेगा, रस्सी है निश्चय कर लो तो सांप मानने पर होता हुआ डर वगैरह है वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। उसे यहां पर भी मैं ज्ञान हूँ आत्मा हूँ ब्रह्म जान लिया आपने, निश्चय पर कर लो तो फिर जो मानते रहे अभी तक मैं अज्ञानी हूँ, उसके वजह से जो भय था मृत्यु वगैरह का सब अपने आप समाप्त हो गया। मानने वाली बात हो कुछ नहीं, मानने न मानने की खेल, मानते कौन ले, कोई मानते सब सुनते हैं, मानते कोई नहीं। मत्वा धीरो न शोचती, आया था ना कठोर परिषद, आप भी आए, मत्वा धीरो न शोचती, अमत्वा अधीरो शोचती, ये मानना पड़ेगा। न मानने वाला अधीर होने के नाते शोकग्रस्त जरूर होता ही है, मानने वाला धीर है वह शोकग्रस्त नहीं होता। ऐसा यह परमार्थ तत्व है, इसको स्वस्वरूपत्व स्वीकार कर लो। जो इसको अपने स्वरूप करके वर्ण कर लेता है वह वर्ण करने वाले को यह स्वरूप प्रकट हो जाता है। यानी आपने वर्ण किया संसार को, यह संसार आपके सामने प्रकट है, और संसार जिसको आपने वर्ण किया है वह कभी सुख दे नहीं सकता, वह आनंद रूप नहीं है, वह आनंद दे कैसे सकता है। इसलिए आप संसार का वर्ण मत कीजिए, वर्ण करना है तो आत्मा का वर्ण करें। यही पार्वती को अनेक प्रकार से समझाया नारद जी ने, कहां तो चक्कर में पड़ रही है शिव जी का, छोड़ है शिव शिव कुछ उसे है क्या, बूढ़ा धन मोक्ष खटवांगम खाट का पैर, हंसदंड के लिए कोई हंसदंड भी नहीं उसके पास, खाट का टूटा पैर को पकड़े बैठे प्रणाम करते रहता, चिता भस्मा लेपा शरीर में चिता का भस्म लगा रखा है, कोई उसको नैसिल पाउडर या कोई और पॉन्ड्स पाउडर तक नहीं मिल रहा। ऐसे दरिद्र जैसा आदमी और उसके तुम पीछे पड़ी हो, तो पार्वती क्या कर, कार्यम व साधेयम शरीरम व पाते अपि स्याद दश सहस्राणि जन्म, अरे 10,000 और जन्म लग जाए तो मैं उस आत्मरूपी शिव को ही चाहती हूँ और दूसरे को नहीं चाह सकती। ये आत्मा को वर्ण करने का तरीका है, और हम लोग दूसरे को वर्ण कर लेते हैं ना, लड़की लड़के को वर्ण कर रहा है, वर लड़का लड़की को वर्ण कर लेते हैं, इसे तो वर है, ये वधु है, वर वधु शादी कर दिया हो गया कल्याण दोनों की, गलत वर्ण हो गया ना, वर्ण करना ही गलत कर रहे हैं, गलत चीज का वर्ण करण वो वर्ण तो ब्रह्म विद्या का वर्ण करो, करो वर्ण तो आत्मा का वर्ण करो, इसके अलावा कोई चीज वर्ण करने लायक ही नहीं। इसलिए कहते हैं तब वो साधु करना क्या चाहिए, यत परम ज्ञानम प्रकाशितम तस्मिन गता, जो परम ज्ञान है जो प्रकाशित है उसी में तुम्हारी बुद्धि लग जानी चाहिए। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः अस्ति ब्रह्मेति चेत् वेदा, कठोर प्रश्न कहेगा ना अस्ति ब्रह्म, ऐसा बुद्धि को निरंतर प्रशांत सारा संसार छोड़ो, अस्ति घट अस्ति पट अस्ति मति अस्ति पति अस्ति जाया अस्ति सब छोड़ दो और अस्ति ब्रह्म पकड़ बस। ये अस्थि घटपट संसार को लेकर के बर्बाद है आदमी, अस्थि ब्रह्म ये नीलकंठी ने कह रहे हैं अस्थि ब्रह्म इति बुद्धि निश्चयो इति तद्विद, तत् माने क्या, यत परम ज्ञान जो पूर्व में कहा गया था, यत परम ज्ञानम प्रकाशितम तस्मिन गता बुद्धि ये शांत तद्बुदया, उनको कहते हैं तद्बुद,
यह अंतकरण चतुष्टय को गिना रहे, देखो तद्बुद्धे से बुद्धि, तदात्माना से मन, तन्निष्ठा से अहंकार, तत्प्रेरणा से चित्त, ये अंतकरण चतुष्टय। पूरे अंतकरण को आत्म में लगा देना है, चित्त से निरंतर उस ब्रह्म की ही आत्मा का ही परायण, चित्त समझे मेरा वास्तविक अयन अज्ञान आदि नहीं, पर निरतिशय अयनम क्या है चित्त का आत्मा है, इति तत्परायणाः चित्त तन्निष्ठाः। जब आत्मनिष्ठ हो जाओ तो अहंकार अपना खत्म हो जाएगी, आत्मा में निष्ठा नहीं है ना, शरीर में निष्ठा, इसलिए अहंकार है। मैं बलवान हूं यह अहंकार है, मैं गरीब हूं ये भी एक अहंकार है, मैं कमजोर हूं ये भी अहंकार से बोलता है, सारा अहंकार का एक खेल है। शरीर आदि में निष्ठावान पुरुष सब कहता है, जब आत्मा में निष्ठा हो जाए अहंकार अपने आप समाप्त हो जाता है, तन्निष्ठा अहंकार रहितता को प्रकट करता है। तदात्मा ना मैंने मन को लेकर के, तद्बुद्धे बुद्धि शब्द वही है, इसे अंतगण चतुष्ट है। अब तो दूसरों का कहना है तत्परायण श्रवण है, तन्निष्ठा मनन है, तदात्मा निधिध्यासन है, तद्बुद्धय साक्षात्कार। विपरीत क्रम से तत्प्रेरणा श्रवण है, तन्निष्ठा मनन है, तदात्मान निधिध्यासन है, तद्बुद्धय साक्षात्कार हो गया। साक्षात्कार जब हो तो ब्रह्म बुद्धि हो गई, तो साक्षात्कार हो गया और क्या रह गया, तद्बुद्धय मैंने ब्रह्म बुद्धय मैंने साक्षात्कार बनता है। तदात्मान अभी वो आत्मा मैंने उसके मन अभी उसको पकड़ के चल रहा है, इसका मतलब है अभी उसका मनन निध्यासन हो रहा है। तद मने ब्रह्म एव आत्मा मने चिंता विषयो, चिंतन विषयो, ध्यान विषयो यस्य येषा ते तदात्मानः, जे निध्यासन हो गया। तन्निष्ठाः तन्निष्ठाः तत् मने ब्रह्म तस्मिन्नेव निष्ठा, भाष्यकार भी कहेंगे निष्ठा से इसी तरह से उस ब्रह्म में ही निष्ठा हो गया है जिसका। ये होता है कब, जब आपका मनन हो रहा है, मनन काल में उसी में निष्ठा बनी हुई है तभी मनन होगा। जिसमें निष्ठा है आपका उसका मनन होता है, जिसमें आपकी निष्ठा है उसी में तो उसी का तो आपका मनन होगा, भैया नहीं। गति में निष्ठा है तो गति का मनन चलते रहेगा, गति में निष्ठा है तो गति का मनन होएगा, जिसमें निष्ठा है उसमें मनन होगा। भैंसो हम दृष्टांत याद है ना, भैंसो हम, भैंस में निष्ठा है तो भैंसो हम। इसीलिए योग सूत्रकार बड़ा कमाल कर दिए, सूत्र बना करके यथाभि मत ध्यान आद्वा, यथाभिमत ध्यानाद्वय जबरदस्त सूत्र है योग सूत्र। कहते तुमको जो चीज अभिमत है, जो तुम्हारे संसार में प्रियतर, चाहे पत्नी है चाहे बच्चा है जो भी, बस उसी का ध्यान करना शुरू करो। इतनी उसके साथ तादात में हो जाओ पूरी, और उसके साथ फिर ईश्वर को जोड़ दो, ब्रह्म को जोड़ दो, तो तुम वहां पहुंच जाओ। यथा अभिमत ध्यानात्, भाई भैन स्वामी का दृष्टान्त उसी से आधार पर बना हुआ है, था मैं ध्यान भाग के आधार पर भैंस, उसका प्रियतम भैंस था ना उस दृष्टान्त में। गुरु ने कहा अहम भैंस बोलो, बाद अहम भैंस ब्रह्मो हम बोलो बोल दिया, भैंस ब्रह्म जोड़ दिया, और फिर वो भैंस छूटी गया, ब्रह्म क्या सोचते सोचते अहम ब्रह्मास्मि हो गया। इसे जो भी चीज होती है वहीं से शुरू करना पड़ता है। आत्मा प्रिय है तो आपका मन उसे प्रतिष्ठित होता है, सतन्निष्ठा आत्मनिष्ठा ब्रह्मनिष्ठा मनन कर लगता है। तत्परायण आहर हम सोचते हैं मेरी इंद्रियों का परम श्रेष्ठ अयन यदि है तो आत्मा ही है, मैंने सकल इंद्रियों को आपने आत्मा में लगा दिया, ये तत्परायणा श्रवण है। इस तरह से भी कुछ लोगों ने इसकी व्याख्या की है। अंतरंग साधन है ये, एक तरह से जब ज्ञानी की स्थिति बता रहे हैं, ज्ञान के अंदर जब अज्ञान नष्ट हो गया तब क्या हो जाता है, व्यक्ति तद्बुद्धि होता है, तदात्मा तन्निष्ठ तत्प्राण हो जाता है। इसका मतलब है यह ज्ञानी का स्थिति का जो वर्णन है वह अंतरंग साधन मोक्षों के प्रति, जिसको पहले पंचशिखर आदमी समझाया ना, तत् चिंतनम तद कथनम तद अन्योन्य प्रबोधनम तदैक परत्वम, ये कहा था आसुक्तेर आमृतेक कालम निरंतर वेदांत चिंतन इत्यादि जो श्रुति स्मृतियां हैं उसी को यहां पर कहते हैं पूर्वोक्त तत्पर
संयत इंद्रिय कहा था ना श्रद्धावल लभदे ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय। चौथा अध्याय 39वें श्लोक में जो कहा गया था उन्हीं के एक तरह से मान लो यहाँ पर विस्तार किया जा रहा है श्रुति स्मृति के आधार पर। जो ऐसा होता है वे लोग कहते हैं ज्ञान निर्धूत कल्मषा, ज्ञान के द्वारा धुल गया है सारा कल्मश मल जिनका, ऐसे हो जाने के कारण से अपुनरावृत्ति में गच्छन्ति, वे पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं होते हैं, वे पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं होते। भाष्य यत् परम ज्ञान जो तत् है ना, सबसे तत् आया है, तत् से पहले को यत् तो होना चाहिए। यत् क्या चीज है? मेरे पुरुष लोग जो कहा गया यत् से ले लेना। यत् क्या है? परम ज्ञानम प्रकाशित, जो पुरुष लोग को वर्णन किया गया था परमोत्कृष्ट ज्ञान जो प्रकाशित हुआ है वहां पर, वह ज्ञान तस्मिन् उस ज्ञान में ही गता बुद्धि रेशान गत है, बुद्धि संयत है, नियमित हो चुका है, तादात्म्य तदाकार को प्राप्त हो चुकी है बुद्धि जिनका, ते तद्बुद्धयः। इसी प्रकार तदात्मा तदेव परम ब्रह्म आत्मा एशान, पर ब्रह्म है आत्मा, चिंतन का विषय ध्यान का विषय जिनका, ते तदात्मानः तन्निष्ठाः। निष्ठा का सामान्य अर्थ पहले बता रहे हैं अभिनिवेश। निष्ठा का मतलब क्या? अभिनिवेश, सीधा सीधा अर्थ कर दिया, फिर आगे समझाएंगे। और तात्पर्य सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य ब्रह्मणि एव अवस्थान येषां ते तन्निष्ठाः। देखो मने अभिनिवेश किसमें? तत्परता, तात्पर्य में तत्परस्य भावः तात्पर्य, तत्परता ही का नाम निष्ठा, उसी का नाम अभिनिवेश। पर्यायवाची शब्द है निष्ठा अभिनिवेशः तात्पर्य, पर्यायवाची। अरे तत्परता क्या चीज है? उस तत्पर हो जाए तन निष्ठ हो जाना, तद अभिनिवेश को प्राप्त होने का मतलब स्पष्ट करते हैं। सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य ब्रह्मणि एव अवस्थानम्, इसी का नाम तत्परता, इसी का नाम निष्ठा, इसी का नाम अभिनिवेश। सकल कर्मों को पूर्णतया कर्तृत्व भोक्तृत्व को कार्यतृत्व भोजतृत्व को त्याग करके ब्रह्म में ही स्थित हो जाने का नाम तन्निष्ठाः। ते तन्निष्ठाः तत्परायणाश्च। अब रह गया तत्परायण, तत्परायण का मतलब क्या? तदेव परम अयनम परागति येषां, वह ब्रह्म वह आत्मा ही है परम अयन मैंने परागति, और कोई गति चाहता ही नहीं है, मोक्ष नहीं स्वर्ग नहीं एक कुछ नहीं चाहता, मैं आत्मा ही चाहता हूं, मैं अपने स्वरूप को चाहता हूं, स्वरूप को अनुभव जानना चाहता हूं, मैं अपने आप को जानना चाहता हूं। यही रमण महर्षि ने कहा, मैं कौन हूं बस जानो, एक प्रश्न का जवाब निकाल लो तुम्हारा कल्याण हो गया, और कुछ भी जानने की जरूरत नहीं संसार में। मैं कौन हूं बस एक प्रश्न का जवाब निकालो, क्या तुम्हें शरीर हो, मन हो, बुद्धि हो, इंद्रियां हो, क्या हो तुम, ढूंढो इसको। ये कि देवदेव अमुक गोत्र ये वो सब लफड़ा सब जितना भी कहा जाता है, तुम्हारा एड्रेस लिख लो और चिंतन करो इस एड्रेस पे, वो कोई परमानेंट एड्रेस है तुम्हारी? कुछ भी परमानेंट एड्रेस नहीं, जो भी एड्रेस था सब अनित्य ही रहा आज तक, जो अभी है वो भी अनित्य, आगे जो पाओगे वो भी अनित्य ही रहेगा। इसे क्यों पाने के चक्कर में पड़े हम, जरा अपने आप को जानो तो खत्म कहानी। कोहम अस्मि, इसलिए शंकराचार्य जब सबसे पहले कौन क्या पूछा हस्तामलकाचार्य से, दिनकर भट्ट क्या बोला, कस्तात कुतस आयात कस्तुम कुतो आयात, तुम कौन हो कहां से आए हो, तो कहां से आया कहां जाना है, मैं है कौन, ऐसे जवाब देते गए। फिर जो कभी बोले ही नहीं जिंदगी भर गुंगा रहा आदमी, और स्तोत्र बोलने लग गया, ज्ञानी का लक्षण ये मूल के प्रश्न है, कस्तम मैं कौन, तुम कौन हो ने मैं कौन, ये जानो। और ये जो शरीर पकड़ रहे, ब्राह्मण हूं मैं, क्षत्रिय हूं मैं, वैश्य हूं मैं, ये हूं मैं, वो हूं मैं, पुरुष हूं या स्त्री हूं, नपुंसक हूं कुछ हूं, ये हूं वो हूं कुछ नहीं, भारतीय हूं वैसे ही लफड़ा, प्रवासी भारतीय हूं एक और लफड़ा और जुड़ गया, जुड़ती जा जितना विशेषण कम नहीं है।
इनमें से कोई विशेषण वाले तुम नहीं हो, ये दृढ़ निश्चय करना ही चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसा जो हो तो यही है ब्रह्म ही मेरा सर्वश्रेष्ठ गति है, इसके अलावा कोई गति ही नहीं है। परम वयम परागति येषां भवते तत्परायणा, उनको तत्परायण कहा जाता है। केवल आत्मरथ है, क्या मतलब क्या, केवल आत्मरति है ये, आत्मा में ही रमण करते हैं, अन्य विषयों में रमण नहीं करते हैं। राधा रमण है नहीं, क्या आधा रमण है, र को निकाल सब आधा रमण ही है, कोई राधा रमण तो है नहीं, सब आधा रमण बनेगा। राधा रमण नहीं, आधे आधे बोलता था मैं, तुम लोग सब आधे आधे ही हो, कहाँ राधे राधे बकवास करते हो, कहाँ राधा है, राधा शब्द का अर्थ भी कोई नहीं जानता नहीं। राधा भक्ति हरिर ज्ञानम साताभ्याम या च समन्विता, सा भागवती का था, वही भागवती कथा है, भागवत के मंगलाचरण हम लोग गाते हैं इस चीज को। तो इसे यहां पर कहते हैं कि केवल आत्मरति है वो, ये शाम ज्ञानेन नाशितम आत्मनो अज्ञानम, जिन लोगों के द्वारा का ज्ञान के द्वारा आत्मा विषय का अज्ञान नष्ट हो चुका है, ते वे लोग गच्छन्ति एवं विधा अपुनरावृत्तिम अपुनर्देह संबंधम, वे लोग इस प्रकार के गति को प्राप्त करते क्या, अपुनरावृत्ति नाम का, अपुनरावृत्ति नाम गति क्या चीज है, वो दोबारा शरीर के साथ संबंध को प्राप्त नहीं करते हैं, इसका क्यों, ज्ञान निर्धूत कल्मषा यथोक्तेन ज्ञानेन निर्धूतो नाशितः कल्मषः पापादि संसार कारण दोषो एषां ते ज्ञान निर्धूत कल्मषः यतयः इत्यर्थः। ज्ञान के द्वारा, यथोक्त ज्ञान के द्वारा जिन्होंने नष्ट कर दिया कल्मष, मैंने क्या, जिसको आज तक मानते रहे अरे मैं पापी हूँ मैं पुण्यवान हूँ, पाप आदि जो संसार का कारण है इन दोष है, वास्तव में है ये दोषों को जिसने अपने ज्ञान के द्वारा नष्ट कर लिया, मैंने ज्ञान निश्चय कर लिया, ना मुझ में कोई पाप है ना मुझ में कोई पुण्य है, ना मैं पापी हूँ ना मैं पुण्यवान हूँ, ना मैं मनुष्य हूँ मैं ना पशु हूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ, ऐसा जो निश्चय कर लिए शांते उन लोगों को कहा जाता है ज्ञान निर्धूत कल्मषा, ये कौन है वो, यतयः यति जान बुझ करके देखो, यह भाष्यकार सन्यासी नह नहीं बोलते हैं, ज्ञानी नह तत्वदर्शी नह ऐसे प्रयोग नहीं कर रहे हैं, प्रयोग क्या कर दिए, यतयः माने यति प्रयत्न धातु का प्रयोग कर रहे हैं, माने यत्नशील पुरुष कर सकता है काम, निरंतर यत्नशील है ब्रह्म चिंतन में निरंतर लगा हुआ है, ऐसा यत्नशील पुरुष ही इस प्रकार से हो सकता है। जो आलसी है वो तो आलसी रह जाएगा, ब्रह्म कहां से हो जाएगा। यहां आदमी को सात्विक होना चाहिए और पूरे रजोगुण पर नियंत्रण होनी चाहिए कि सारी वृत्तियों को ब्रह्माकार करने के तैयार, कामना रहित होना, विरक्त हो जाना, परम विरक्त हो जाना, यह सात्विकता है। उतरे से काम चलता नहीं सात्विक होने से, कि रजोगुण को कहां छोड़ोगे, तीनों गुण तो रहेंगे ना, तमोगुण को तो कुचल के रखना है, दबा के रखना है सदा, और रजोगुण को इस्तेमाल करना है ब्रह्माकार वृत्ति के लिए, और सत्वगुण के अंदर विवेक और वैराग्य से टिका के रखना है सदा, ताकि दोबारा संसार कोई कामना न जग सके। इन तीनों गुणों को हमें सम्यक प्रकार से नियंत्रण में रखते हुए प्रयोग करना है, तब जाकर के स्थिति बनती है, नहीं तो नहीं होती। आप तमगुण को छोड़ देते हो, अपने वो तमगुण नाच नाच रही है अपनी, खूब आलस नींद खूब दे रही है निद्रा महारानी है, यानी कि निद्रा महारानी खूब नामगी नाच नाचती है, खूब मौज करती है सबके ऊपर सवार, तमगुण को छोड़ रखे हो, छूट दे रखे हो, जितनी चाहे उतनी आ जा है? और लोग तो चीज नहीं आ रही, गोली खा करके बुला रहे, हे महा निद्रा रानी आ जा, तू आ जा, गोली खा खा कर। और यहाँ एक दिन 4:05 नींद आ जाए तो परेशानी हो जाए, 5 मिनट ज्यादा देर तक टिक गई है निद्रा रानी, बेमतलब की क्या फालतू का हो गई, इतनी समय तक होनी चाहिए बस, वो भी इंद्रियों को आराम देने के लिए, इंद्रियों को
आराम देने के लिए, सोना नहीं है, अपना तो योग निद्रा करते चले जाते गीता के उसी चिंतन में लगा रहे, बाकी शरीर को सुनाना पड़ता है, नहीं जल्दी टायर पंक्चर हो जाएगा ना इसका। गाड़ी को आराम देने तो हीट हो जाता ना गाड़ी दौड़ते दौड़ते, कई बार होता है गाड़ी दौड़ रहा है इतना गर्म हो गया टायर बर्स्ट हो जाता है, ऐसे थोड़ी होने देना है गाड़ी को। अरे गाड़ी मिली है लक्ष्य को पाने के लिए ना, से बीच में हाईवे में ढाबे पे रोकते कि नहीं रोकते गाड़ी को, अबे चाय पानी कर लेते हैं, वैसे हम भी बोलते हैं इसको तुम रोज आना जो है दो चार घंटा सो गया, ढाबा है रात्रि ढाबा है उसे तुम्हारी नींद चाय पानी है, हमने कर लिया कर इंद्रिया उस दृष्टि से, उधर चार घंटे ज्यादा नहीं सोने देना चाहिए, जहाँ सोने दे बेकार हो जाएगा, नियंत्रण में रखो तमोगुण को। रजगुण से वृत्ति बनाना है जो बोल रहे हैं अभी तक, सर्वाणि कर्माणि सन्यास सन्यास्य ब्रह्मणि ये व्यवस्थान कर वासुकार ने ये करना है, इसलिए ज्ञान विषय प्रयोग कर दिया यथया इत्यर्थः इति। येषां ज्ञान नाशम आत्मनो अज्ञानं ते पंडिताः कथम तत्त्वं पश्यन्ति इत्युच्यते। कथे सदृश ज्ञान पाने के बाद हमारी दृष्टि क्या होगी, हम इस तत्व को कैसे देखते हैं वो बता रहे। जो लोग ज्ञान के अगर नाश कर ले आत्मा के ज्ञान को, वे पंडित लोग उस तत्व को किस प्रकार से देखते हैं अनुभव करते हैं उसके बारे में कहते, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव शपाके च पंडिता समदर्शिनः। समदर्शिनः देखो, समकार्यणः नहीं कहा, समकार्यणः भी कह सकते थे, शब्दावली में कोई अंतर नहीं, अक्षर तो उतनी रहेगी, समदर्शिनः कहो समकार्यणः कहो फर्क तो कुछ नहीं पड़ता, लेकिन इसलिए जान के द्वारे कार्य में व्यवहार में समानता नहीं रहेगी। नहीं तो एक ऐसा मान लो ब्राह्मण कुत्ता हाथी चांडाल बराबर बार हो जाएगा क्या है? नहीं हो सकता। सभी में ब्रह्म देखता है, मैं और एक कुत्ता ब्रह्म दृष्टिया स्वरूप दृष्टिया भिन्न नहीं है, उपाधि दृष्टिया तो भिन्न है ना, मिथ्या उपाधि दृष्टिया मिथ्या भेद है, अति मिथ्या भेद व्यवहार भी रहेगी, ये नहीं कि हम स्वरूप दृष्टिया भिन्न है तो कुत्ता हड्डी चाट रहा है चवाट रहा है जो चवा रहा है तो ब्राह्मण भी हड्डी चवाना शुरू कर देगा क्या? अपने आप ये सुअर और मैं अभिन्न ब्रह्म दृष्टिया तो सुअर टट्टी खाए तो ब्राह्मण पर टट्टी खाने लग जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता। क्यों ये बात कहा जाता है? और ये भी नहीं, कुछ लोग कहते शपाके चे कहते ना, इसलिए जो अस्पृश्यता कहीं गलत है, बराबर है तो फिर अस्पृश्य कहां रह गया? स्वरूप दृष्टिया अभिन्न, जो चांडाल की आत्मा है और अपना आत्मा एक है, लेकिन चांडाल उपाधि अस्पृश्य है, यह उपाधि अलग है। मनीषा पंचक में कहा ना भगवान ने, शंकराचार्य जी ने, जब शिव जी जो है चांडाल के रूप में आए बनारस में परीक्षा लेने के शंकराचार्य का, और कहा जब चेड़ों ने चांडाल आ रहे चार सब इधर भाग गए सारे ब्राह्मण मण, तो शंकराचार्य उस रास्ते में जा रहे जान करके, शिष्य लोगों ने कहे क्या महाराज इधर चांडाल आ रहे चांडाल लोग बोल रहे, तो लोगों को दिखाना चाहते थे ना जानकर शंकराचार्य जी भी, अरे आत्मदृष्टि वाले को चाहे किसी भी शरीर में तो क्या फर्क पड़ता है, वो गुरु ही है वो ब्रह्म ही है। इस जान विच्छेदों के सामने उनको बोला अपसर अपसर, चांडाल को कहते हटो हटो, वो कहता है कौन किससे हटे, शरीर शरीर वो तो आत्मनो आत्मा, एक शरीर से दूसरे शरीर को अलग करने के लिए बोल रहे हो आप कि ये आत्मा आत्मा अलग है, आत्मा को आत्मा से अलग करने हो दूर होने बोल रहे हो आप, तब भगवान भाष्कर कहते तो ब्रह्म ज्ञानी, चाहे चांडाल हो चाहे ब्राह्मण हो तुम पूज्य कर चरण छूने लग गए। उस समय पांच श्लोक बोला उन्हें उस मनीषा पंचकर का। तो ये जो चीज है ना, कहते हैं कि यहां वो विचार दृष्टि है शरीर को लेकर के नहीं, व्यवहार को लेकर के नहीं करना है, व्यवहार तो मिथ्या है, मिथ्या जगत है, मिथ्या व्यवहार में वह भेद व्यवहारी रहेगा, वह अभेद हो नहीं सकता, स्वरूप मात्र से अभेद आत्मदृष्टिया। विद्या विनय संपन्न में भाष्यकार जान बुझ करके कर्मधारय समास कहने द्वंद्व समास करेंगे, विद्या च विनयश्चेति
द्वंद समास कर दिया। यदि आप क्या विद्या ददाति विनय कार्य कारण भाव बोलते हो आप, भास्कर जान बुझ कर कह रहे हैं यह जरूरी, क्योंकि आज इस कलयुग में देखने को मिलता है जिसके पास विद्या है उसके पास विनय होना बहुत कठिन है। कहाँ है विद्या है, जितनी जिसके पास जितनी विद्या है उतनी को लेकर उसको अहंकार है। एक गंवार हमें गांव के आदमी कम अहंकार है क्या? अगर मैं तुम क्या जानते हो बोलता है, सीधे लड़ने लग जाएगा। अपने आप को कम नहीं मानता कोई भी संसार। चींटी को देखो, खड़ा कर रोक दो, वो ऊपर से चढ़ के चढ़ रहे, तुम कौन होते रोकने वाला बोलता है, मैं तुरे अंगुली से ऊपर से चल जाऊंगा। वो सब के अंदर अहंकार है, कोई रुकने को तैयार नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये सुन रहे हैं हमें मतलब से, सब मतलब से सुनते हैं। इसलिए कहते हैं कि देखो विद्याच विनयश्च, द्वंद समास कर भास्कर जान करके विद्या या विनय, यदि विद्या विनय बना सकते षड्त समास कर सकते थे। विद्या का फल होता जो विनय उससे जो संपन्न ऐसा कर सकते थे। ऐसा नहीं, विद्या भी संपन्न, विद्या से संपन्न और विनय से भी संपन्न, ऐसे ब्राह्मण में इस तरह से सत्वोत्कृष्ट को ले लिया, मनुष्यों में सत्व का उत्कृष्ट को ले लिया विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण। पशुओं में सर्वोत्कृष्ट सात्विक वस्तु क्या है, गवि गौ को ले लिया। ऐसे समझना है मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण, वो भी कैसा ब्राह्मण, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण। और गवि पशु श्रेष्ठ एक पक्ष में बोल रहा हूं, और हस्तिनी सर्वेश बलिष्ठ सर्वोत्कृष्ट बलवान है वो, और शुनि से सर्वोपकारी है, सभी को उपकार करता है। किसी के घर में चोरी होने रात में भावों को चला नशर कर देता है, पहरेदारी देता है या नहीं, दिन भर भी पहरेदारी देता है, सोता है कहाँ, बहुत कम सोता है। जैसे श्वान निद्रा बको ध्यानम विद्यार्थी के लक्षण में कहा गया, इसलिए निद्रा कुत्ते का जैसा होना चाहिए कि 24 घंटा सोते रहे, सुअर जैसे नहीं है नहीं, श्वान निद्रा इतनी कम। इसलिए अगर ये सुनी यह सर्वोपकारित्व को बता रहा है, और स्वपाक अत्यंत निकृष्टता को बताता है एक पक्ष, और दूसरा अत्यंत अस्पर्शित्व को दिखाना। अत्यंत निकृष्ट का मतलब क्या, यहाँ पर अत्यंत अस्पर्शित्व है कि दुनिया में क्या हम देख रहे हैं, कुत्तों को तो लोग गोदी में भी रखकर पाल लेते, प्यार कर देते, लेकिन चंडाल को छूने से घृणा करते हैं। इससे पहले के हाथी पूज्य, राजा का हाथी को लोग पूजते हैं, गजराज नहीं पूज्य होता है, गाय भी माता पूज्य है, ब्राह्मण भी पूज्य है, कुत्ता प्रिय है, लेकिन चांडाल अस्पृश्य है। दूसरे पक्ष में यहां ऐसा भी लिया जाता है इनको व्यवहार दृष्टि से भेद है, इन सभी में ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता स्वपाक चांडाल ये सब में क्या है, व्यावहारिक भेद सुस्पष्ट है, किंतु उन सभी में है ना सब सप्तम तीसरे, इन सभी में जहां व्यावहारिक भेद है वहां पर समदर्शिण पंडित समत्व दृष्टि रखते हैं पंडित, व्यवहार में भेद होने पर भी पारमार्थिक दृष्टिया अभेद को देखते हैं एक। और यहां पर इसलिए विनय से हमें अहंकार का अभाव को लेना पड़ता, विद्या रहते हुए अहंकार से अभाव वाला ही वास्तविक ब्राह्मण, किंचित भी अहंकार है तो ब्राह्मण दूसरे कोटि का में चला, उत्कृष्ट कोटि में नहीं माना जा सकता है, ये भाष्यकार भी दिखाएंगे। और स्मरंतोपि समदर्शिनः एकादे, क्योंकि पूर्व पहले कहा गया था एन भूतानि अशेषेण द्रक्षस्यात्मनि अथोमयि, भगवान क्या ना चौथा अध्याय 35वें श्लोक में पहले बोल चुके हैं, इस ज्ञान जैसे मिलेगा तेरे को एन ज्ञानेन क्या होगा, अशेषेण अशेष रूप से भूतानि सर्वाणी आत्मनि मही च द्रक्ष से, तुम कहां देखोगे सारी चीज को, आत्मा में ही देखोगे, सब अभिन्न हो जाएगा तुम्हारे लिए। पहले बोल चुके हैं उसी को दूसरे शब्द और में यहां कथन कर रहे हैं फलस्वरूप। स्मृतिकार एक जगह लिखते हैं कहां का पता नहीं, स्मरंतोपि मोहस्त्वे तत् स्पृशंतोपि स्वकर्मणि
सत्ता न सज्जन्ति पंखे रविकरा इव, पंखे रविकरा इव, पंख माने कीचड़ में, जैसे रवि, रवि माने सूर्य के कर, कर्म सूर्य का हाथ क्या है, किरण, एक किरण को स्पर्श नहीं करेगा, सुखा तो रहे लेकिन उसके साथ संबंध होकर सुखाते हुए कि कीचड़ का किसी प्रकार से गुण दोष उस किरणों में लागू होता है क्या? यदि उसके संबंध से जो दोष था कीचड़ में वो भी दूर हो जाता है, ये विलक्षणता है, यही विलक्षणता ज्ञान की भी है, ज्ञानी का भी है। इसे स्मरंतोपि मोहस्त्वेत, भले ही व्यक्ति इस संसार को निरंतर स्मरण कर रहा है, स्मरंतोपि मुहुस्त्वेत स्पृशंतोपि स्वकर्मणि, पाठवे कुर्वन्तोपि स्वकर्मणि, स्पृशंतो या कुर्वन्तोपि स्वकर्मणि, अपने स्वकर्म को कर देवे भी, बाहर से दुनिया को देखने में क्या लग रहा है, सक्तापि न सज्जन्ति, सक्तापि न सज्जन्ति, दृष्टांत क्या, पंखे रविकरा इव, सत्ता अभी देखने में क्या है, आसक्त जैसे लग रहे हैं लेकिन न सज्जंती, उनमें कोई आसक्ति नहीं होती है। उसी प्रकार जिस प्रकार से कीचड़ में चिपका लगा हुआ लग रहा है, सूर्य की किरण लगा है उसके ऊपर लेकिन फिर भी लगा हुआ नहीं है, उसी प्रकार यहां पर भी होता है, ज्ञानी का विलक्षणता है, ये समझना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं यहां ब्राह्मण हो गया सत्वगुण, गाय हाथी कुत्ता रजगुण शपात तमोगुण का दृष्टांत, राजसी उपाधि हो तामसी उपाधि हो या सात्विक उपाधि हो, सभी उपाधियों में एक ब्रह्म को ही सदा देखने वाला, ऐसा भी गाय हाथी कुत्ता को रजगुण में लेते हैं, शपात तमोगुण में, और विद्या विनय समर्थ ब्राह्मण सात्विक गुण को लेते हैं, इस प्रकार कुछ लोगों ने इसकी व्याख्या की है। भाष्य येषां ज्ञान इत्यादि विद्या विनय संपन्ने, देखो भाष्यकार विद्यायाः विनयम् ऐसा नहीं बोल रहे, विद्या च विनयश्च इति विद्या विनयौ, विद्या और विनय दो अलग अलग चीज गिना रहे, जान करके कार्य कारण नहीं बता रहे, समास कर सकते थे विद्यायाः विद्या ददाति विनयम् कहा जाता है, लेकिन आजकल विद्या ददाति असुरत्वम् ये हो गया है, उल्टा असुर हो जाते, राक्षस हो जाते विद्या प्राप्त करके लोग, हमने अच्छे अच्छे विद्वान को देखा जो दूसरों को इतना परेशान, इतना दुखी कर देते, इतना रगड़ देते हैं, जहर दे देते, मार डालते, खदा मर्डर करवा देते हैं, मर्डर हथियार जेल में 12 साल काट के फिर आकर फिर बोले बोलते मैं संत हूं, बोलते बताओ कमाल आदमी है यार, क्या दुनिया है, लोग मानते भी साधु, फिर भी उनको मान पूछ रहे, फिर भी उनको पूछ रहे हैं लोग, करोड़ों दे रहे हैं और अरबों की योजना बना रहा हूं बैठे बैठे, कमाल क्या विचित्र दुनिया है। इसे विद्या ददाति असुरत्तम कलयुग में लागू होता है ना, इसलिए भाष्कर जान करके हाँ विद्या च विनयश्च अलग करके द्वंद समास करते हैं, कि कोई जरूरी नहीं है विद्या आ गई मिल गई तो जरूर उसके विनय संपादन होगा, नहीं हो सकता। विनय क्या चीज है वास्तव में, विनय उपशम, सर्वेंद्रिय उपशम का नाम ही विनय है, सकल इंद्रिय बाह्य करण अंतकरण सकल करण, केवल अहंकार का भाव है तो अपना सकल करण का उपशम हो ही जाता है, इसे हमने सिद्धार्थ किया था वो अहंकार का अभाव, अहंकार का अभाव होने से सारे इंद्रिय अपने आप ठंडे पड़ जाते हैं, आप देखते हो संसार में किसके अहंकार को थोड़ी सी धक्का मार दो तो क्या हो जाता है, एकदम आदमी मुरझा जाता है, मरासा हो जाता है, सारी इंद्रिय अपने आप उपशम, बस अहंकार ढीली पड़नी चाहिए, और आदमी को कई बार अहंकार ढीली पड़ फिर भी अकल खोलती नहीं, कई बार धक्का खाए आदमी कहाँ कहाँ भटका लेकिन फिर भी लगा रहता है, तब भगवान देखते हैं इतना लगा है ये, चलो मरने से पहले इसको दे दिया जाए कुर्सी, कोई ना कोई पद दे देते, गद्दी दे दो भाई, क्या करें जिंदगी भर इतने धक्का खाए फिर भी अकल नहीं आया, जिस गद्दी का पीछे भाग रहा हूँ ये उचित नहीं है, जहां जहां गया वहां वहां से खाली हाथ लौटा फिर भी अकल, तब भगवान कहेंगे चलो ये जन्म तेरे को गद्दी में ही पिताना है, तो कोई बात ब्रह्म विद्या के साथ गद्दी में महिमान्वित होकर के विराज आनंद से कोई न कोई गद्दी दे देंगे, लेकिन भगवान कोशिश करते हैं जगाने के लिए आपको,
बार बार जिसको भगवान नहीं चाहते हैं कि भाई ये संसार में फंसे, उसको भगवान जान के बार बार इस तरह से धक्का देते हैं। लेकिन मूर्ख अज्ञानी जो है समझता नहीं, और फिर उसे पीछे जाते तो क्या करे भगवान, ठीक है जाओ बोलते एक के साथ कईयों के साथ। और जिनको भगवान नहीं चाहते हैं, पढ़ते वक्त आधी पढ़ाई नहीं हुई तभी उसको मरने शरबत मिल जाती है, कई बड़े विद्यार्थी जीवन में गद्दी मिल गई, पढ़ाई छोड़ दिया, उसने क्या अब क्या जरूरत है, जब गद्दी मिल गया करोड़ों की फिर क्या जरूरत, पढ़ाई छोड़ दी। एक ऐसे हरिद्वार में जब पढ़ाते थे, एक को ऐसे पद मिल गया, जवान था 24-25 उम्र का था, दे दिया गया किसने गद्दी दे दी। अब वो क्या करे, अब अंदर से उसको लग रहा है मैं तो कुछ जानता ही नहीं, ये भी सीढ़ी नहीं जानता, लंगोटी धोता रहा और एकदम फट गुरु हो गया। क्या हो गया ये मामला, खुद को उसको बड़ा चक्कर पड़ गया हो। फिर हमसे बोलेगा महाराज आप ऐसा क्या करो, मंडेश्वर हूँ मैं तो दूसरे विद्यार्थी साथ बैठ के पढ़ नहीं सकता हूँ, इसे आप ऐसे करो रोज 2 घंटे मेरे पास आना और मेरे को कमरे में अकेले में मेरे को पढ़ा देना, लघु पढ़ाओ तर सर पढ़ाओ सब पढ़ा दो। ऐसे कहा मंडेश्वर, मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, ये स्कूली विद्या नहीं है कि ट्यूशन मास्टर घर में पहुंचेगा बच्चे का, है ना, ट्यूशन मास्टर घर जाता है सेटों के घर में बच्चे को पढ़ाने के लिए, ऐसा ही नहीं होता ये विद्या, हम नहीं आएंगे, आपको विद्या चाहिए तो आपको आइए यहाँ, और अकेले को पढ़ाने के मेरे टाइम नहीं है, अपने अहंकार छोड़ो गद्दी का, बैठो विद्यार्थी बंद करके दूसरों के साथ। मैंने कहा आप शर्म नहीं आती, बड़े बड़े राजा लोग, भगवान राम का दृष्टांत है, कृष्ण का दृष्टांत है, कौन थे वो, और वो गुरुकुल में जाकर के सामान्य विद्यार्थी से नहीं बैठ रहे हैं, और तुमको इतनी गद्दी की अहंकार हो गई और दूसरे विद्यार्थियों को शुद्र समझ रहे हो और उनके साथ बैठा नहीं जाते हो, ऐसे वो पढ़ाते ही नहीं, मैंने बोले गेट आउट, पढ़ाए नहीं, क्या ऐसे लोगों को पढ़ाना है इस दुरहंकारियों को दुराभिमानियों को। फिर अंत स्थिति ऐसी हुई, 7-8 साल के बाद उसको गद्दी ही छोड़ दिया, उसने छोड़ना पड़ा, क्या करे, जहाँ जाए समाज में बोलने की दम तो है, शास्त्र तो हो ही नहीं, हाँ तो उसने गद्दी छोड़ दी। भगवान जिसको नहीं चाहते हैं ना तो उनको पहले गद्दी दे देते हैं, जिनको चाहते हैं उनको गद्दी नहीं देते। इसलिए समझना चाहिए, 2-4 जगह प्रवचन करने जाओ जरूर जाना चाहिए, वहां कोई ना कोई कांड छांट कर अपमान हो जाएगा, आ जाओगे ना फिर तुरंत सतर्क हो जाओ, इसलिए भगवान मेरे को मोक्ष देना चाहते हैं और मैं कहाँ भाग रहा हूँ, गलत भाग रहा हूँ, भागना बंद करो, ये विवेक होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि विनय मैंने सर्व इंद्र अंतकरण बाह्यकरण उपाय सब का उपशम का नाम विनय है। ताभ्याम विद्या विनय अभ्याम संपन्नो, विद्या विनय संपन्न, उन दोनों संपन्न का नाम विद्या विनय संपन्न है। विद्वान विनीतश्च का मतलब क्या, विद्वान है और विनीत भी। यो ब्राह्मण जो ब्राह्मण तस्मिन ब्राह्मण है उस ब्राह्मण में, और हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च, गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च, पंडिताहा समदर्शिनो भवन्ति, पंडित जो होता है वह समदर्शी होता है। विद्या विनय संपन्ने उत्तम संस्कारवति ब्राह्मणे सात्विक, देखो भाषा कर रहे ना, ब्राह्मण को सात्विक लेंगे ये उत्तम है। विद्या विनय संपन्न जो ब्राह्मण है उत्तम संस्कार वाला होने से वह ब्राह्मण को सात्विक कोटि में लिया। मध्यमायांच राजस्यां गवि, मध्यम कौन है, रजगुण वाला वह गौ है यहाँ दृष्टांत में। संस्कार हीनायाम अत्यंतम मेव केवल तामस है, और हाथी वर्ग को तामस में ले लिया तीनों को इन्होंने, तो भाष्यकार ने हाथी कुत्ता शपाक को तमगुण में ले लिया। क्यों अलग है, क्योंकि वो रामानुज भाष्य माध्य भाष अलग अलग लोग लिखते हैं अलग अलग प्रकार से, भाई यहाँ के अपने शंकराचार्य कहते हैं वो सब तमगुण लेना, क्यों लेना, हेतु भी दे रहे हैं, क्यों संस्कार हीनायाम, नहा करके मिट्टी ऊपर डालने ले वाला क्या संस्कार माना जाए, गंगा जी में नहा लिया गया हाथी क्या करता है, नहाता है, नहा करके बाहर आके तुरंत मिट्टी कीचड़ बिछड़ सब सब डाल, ये कोई बुद्धिमत्ता है, क्या संस्कार, इसे संस्कार ही ना आयाम अत्यंतम केवल तामस, अत्यंत ही संस्कार ही है, इतना ही नहीं केवल तमोगुण है वो, इसे कहा जो जितना तमोगुण होता है उतना ही मोटा हाथी होते जाता है। तमोगुणी को है बीमारी से शरीर फूलता है, अलग चीज है, बीमारी से भी शरीर फूल जाता है, लेकिन तमोगुणी का भी शरीर मोटा तगड़ा होता जाता है। ऐसे इंसान को देखा है जो इतना इधर डबल ड्रम बोलते थे हम लोग, उसका नाम रख देते डबल ड्रम, इतने मोटे
खैर केवल तम से हाथी के समान मोटा हस्त्या दो सप्तारी गुणी तज्जैश्च संस्कार ही सत्वारी गुण और तज्जन्य संस्कार तथा राजसी तथा तामसी संस्कार ही अत्यंतम एवं अस्पष्ट उसी प्रकार राजस उसे तामस संस्कारों से अत्यंत अस्पष्ट से सब जगह लेना चाहिए समम एकम अविक्रम ब्रह्म दृष्टुम शीलम वेशां ते पंडिता समदर्शिना उन सभी में भी एकमेव अविक्रम ब्रह्म को समान दृष्टि से देखने का स्वभाव है जिनका उनको पंडित कहा जाता है समदर्शी कहा जाता है चाहे सत्वगुण से युक्त है चाहे रजगुण से युक्त है चाहे तमोगुण से युक्त है कोई लेन देन नहीं है केवल तामस कौन है यहाँ कुत्ता और शपा हाथी भी ले लिया सबको ले लिया